कुछ नहीं हुआ है, ईसीजी निकाल रहे हैं अन्ना भाई का। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, महेंद्रा एंजियोग्राफी। हाँ जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी भी करेंगे। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी बेटर है महेंद्र, एंजियोप्लास्टी। हाँ हाँ, अगर ब्लॉकेजेस हुए आर्टरी में तो एंजियोप्लास्टी भी कर डालेंगे। बाईपास, बाईपास महेंद्र, लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट महेंद्र। जयंत इसको बाथरूम में लॉक कर दे जा। ये है नहीं यार जयंत भाई। नहीं नहीं उर्मिला वहीनी, मैं आपको लॉक नहीं करूंगा। हाँ हाँ तो कहाँ थे हम लोग? लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी, किडनी, किडनी महेंद्र। अरे चुप रहने डोबी, छाती में दर्द होगा तो कोई लीवर ट्रांसप्लांट करता है क्या? लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी, किडनी। अरे ओ ओ ओ बेन टेंशन मत ले, मेरी गायत्री ने वो अन्ना भाई को काढ़ा बना के पिलाया ना तो तेरे अन्ने ने ऐसी डकार ली के सामने बिचारी उज्ज्वला होती ना तो हवे में उड़ जाती। बोल, ये बात सही कही मेरी उर्मिली ने, अगर अन्ना साहब के सामने ऐसे पतंग लेके खड़े रहते ना तो डकार की हवा की वजह से पतंग ऐसे फड़ 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 करके उड़ जाती। हाँ हाँ विभू, वो बुढ़ा रावण मतलब पूजनीय ससुर जी वो पुरानी सिस्टम वाले हैं, तन मन से पहलवान, दिल दिमाग और जज्बात से मजबूत है माँ कसम, समझी? हाँ ये मेरे महेंद्र की तरह नहीं, और नहीं तो क्या। अरे थोड़ी सी धूप निकल आती है ना बाहर तो ये छाता लेके घूमते हुए नजर आते हैं पूरे महादेव पेट में। बोलो, अरे एक छोटी सी छींक आ जाती है ना जयंत भाई तो इतना बड़ा कंबल ओढ़ के सो जाते हैं ये इतनी गर्मी में भी। और मेरी सुहागरात के बारे में तो क्या बताऊं बेन, इनको पेट में जरा इन्फेक्शन हो गया था तो ये आए ऐसे यूं करके मेरा घूंघट उठाया। हाँ। और बाथरूम में चले गए। बोलो, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आए, ऐसे मेरी ठुंडी उठाई। हाँ। और मैं ऐसे शर्मिला टैगोर की तरह मेरे होठ हो रहे थे फड़ 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 फड़। अभी तो मैं नजरें उठा के उनको देखूं तब तक गायब वापस बाथरूम में चले गए थे। बोल, फिर आखिर में मैं कंटाल के गई, मैंने बाथरूम का दरवाजे से ठक 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 किया और बोला महेंद्र आप अंदर ही बैठो मैं अंदर आती हूँ, हम लोग बाथरूम में सुहागरात मना लेते हैं। जुटाड़ी साहब जुटाड़ी। अरे नहीं याद दिलाओ क्या हुआ था हमारी सुहागरात को? याद ना याद अरे 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 एक्सक्यूज मी, हम लोग हैं यहाँ पे। हाँ तो आप लोग अभी जाओ प्लीज। अरे क्या जाओ, चुप। विभा अन्ना भाई घोड़े की तरह तंदुरुस्त होके ऊंट की तरह तंदुरुस्त, हौसला बढ़ाइए हौसला, ऊंट की तरह तंदुरुस्त होके राइनो राइनो अरे बस करो वे। हाँ? चुप, अब मत बढ़ा तू। हाँ कौन है सुबह सुबह? हेलो गायत्री। हाँ कौन? गायत्री सावित्री, गायत्री जी फॉर गायत्री, जी फॉर ज्योमेट्री, गायत्री पापा गायत्री। अरे पप्पा ज्योमेट्री, पप्पा ज्योमेट्री ऐसा बोल रही है? अरे जी फॉर गायत्री, वो पप्पा पप्पा बोल रही है तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा गायत्री का फोन है? हाँ गायत्री बेटा बोलो। पापा हाँ, हमने अंकल के सारे रिपोर्ट्स निकाले। हाँ हाँ सब नॉर्मल है। क्या है? सब नॉर्मल है। नॉर्मल है, हाँ है नॉर्मल डिलीवरी। अरे रिपोर्ट्स, अन्ना साहब के रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ठीक है बेटा। विभू अन्ना दवाई लेनी है ना तो उससे पहले चाय और साबुदाना वड़ा। अरे ओ डॉक्टर ने बोला खाली पेट दवाई नहीं लेना। अन्ना अभी अभी हॉस्पिटल से आए आप, गायत्री ने आपको समझाया ना कि डाइट फॉलो करना होगा, और वही नहीं आपकी साबुदाना वड़े लेके आई तो अन्ना ने बटाटे वड़े के लिए मना कर दिया। हाँ अरे मैंने सामने से मना किया, बटाटे वड़े नहीं, समोसे नहीं, ऐसा कुछ भी कचरा बिचरा नहीं, ये सादा वाला साबुदाना वड़ा लेके आ, ये तो खा सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, ये साबुदाना वड़ा भी आप नहीं खा सकते। अरे पर ये उबले हुए है। अगो भाई ये उबले हुए हैं तेल में उबले हुए है, और मैंने तीन ही मंगवाए। तीन? ला बिल्कुल नहीं। अंकल मैं आपको डाइट लिख कर दे रही हूँ। अभिषेक तुम देखना कि अंकल वही डाइट फॉलो करे।